हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसा बारंबारता बंटन से माध्य को ज्ञात करना सीखेंगे तो आइए शुरू करते हैं जैसा कि मैंने दूसरे वीडियो में आपको बताया था कि इसके अंदर प्रश्न कुछ इस प्रकार का होता है देखिए आपको ऑलरेडी क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलेगा एक्स और एफ वाली दो सारणियाँ मिलेंगी आपको जिसमें एक्स के मान एक्स आई के मान मैंने मान लिए एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन और मान लिया इसके संगत इसकी बारम्बार थे वो एफ वन एफ टू एफ थ्री अप टू एफ एन है अब इस क्षैतिज आकार की जो सारणी बनी है हमारे पास इसको हम ऊर्ध्वाधर सारणी के रूप में लिख लेंगे इससे थोड़ी कैलकुलेशन करनी आसान हो जाती है जो कि निम्न रूप में लिख सकते हैं इसमें बस 36 की बजाय हम लोग और उर्द्वाधार रूप में सारणी को लिख लेंगे इसके संगत बारम्बार्ते एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ टू एफ एन होगी इसके बाद आपने एफ आई के जो पद हैं उनका योग लगाना है और एफ आई के जो पद हैं उनका योग लगाएंगे तो उसको व्यक्त करेंगे एन से ये बन जाएगा बारंबारताओं का योग जो कि वास्तव में सिग्मा एफ आई ही होता है इसके बाद एक तीसरा स्तंभ बनाते हैं जिसमें संगत पंक्ति में स्थित एक्स आई और एफ आई का गुणा करते हैं तीसरा स्तंभ बनाऊंगा एक्स आई एफ आई का जिसमें इन दोनों पदों का गुणा करके तीसरे स्तंभ के अंदर लिखते जाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा एक्स वन एफ वन दूसरे में एक्स टू एफ टू तीसरे में एक्स थ्री एफ थ्री इस प्रकार से एक्स एन और एफ एन और इन सब का भी हमने योग करना जो तीसरा स्तंभ बनाया है इसके योग फल को हम लिखेंगे सिग्मा एक्स आई एफ आई से इतना काम करने के बाद हम इसके लिए एक माध्य का सूत्र लगाते हैं तो यहाँ पर माध्य समांतर माध्य या औसत का सूत्र बन जाएगा एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे में एन और इस सूत्र के आधार पर माध्य की गणना कर लेंगे इस अध्याय में प्रश्न संख्या एक से छ तक बिल्कुल एक जैसे हैं और प्रश्न संख्या सात और आठ में माध्य का मान देकर सरणी में अज्ञात राशि का मान पूछा गया प्रश्न माला सत्रह पॉइंट दो में पहला क्वेश्चन है जिसकी सरणी को मैं कुछ इस प्रकार बना रहा हूं एक्स आई और एफ आई जो एक्स और एफ दिया है वो एक्स आई और एफ आई है तो वहाँ पर बन जाएगा इस सारिणी में x के मान है तीन पाँच आठ और ग्यारह और इसकी बारंबारताएं हैं दो चार पाँच और तीन इसके आधार पर हम लोग एफ आई का जो योग है उसको यहाँ पर लिख रहे हैं जो कि बन जाएगा n नीचे इसका योगफल आएगा चौदह इसके बाद एक तीसरा स्तंभ बनाएंगे जिसमें एक्स आई और एफ आई का गुणा किया जाएगा देखिए कैसे तीसरे स्तंभ में लिखा एक्स आई और एफ आई इनका गुणा किया तो उत्तर आया 40 और यहाँ पर आ गया तैंतीस इसके बाद जो एक्स आई वाला जो कॉलम है उसका भी हम लोग गुणा करेंगे सॉरी योग करेंगे तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा सिगमा एक्स आई इंटू एफ आई तो अगर हम एक्स आई एफ आई वाले पदों का योग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा निन्यानवे अब इसके बाद माध्य का सूत्र लगाना है माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे में n। इस सूत्र का करते हैं प्रयोग तो हमारे पास आ जाएगा निन्यानवे बटे में चौदह जिसका उत्तर भाग देने के बाद आ जाएगा सात पॉइंट ज़ीरो सात जो कि आपके प्रश्न का हल हो जाएगा इसी हिसाब से हमें आगे वाले प्रश्न भी करने हैं प्रश्न नंबर दो आसान है जिसको मैं आपके लिए हल करके छोड़ देता हूँ और आप उसको चेक कर लीजिएगा आपको आराम से समझ में आ जाएगा ये एक्स आई और एफ आई की सारणी उसके बाद जो एफ आई वाला स्तंभ है उसका योग किया तो एन का मान बन गया बीस फिर एक अगला स्तंभ बनाएंगे एक्स आई एफ आई का जिसमें एक्स आई और एफ आई के पदों का गुणा करके लिख लेंगे ये गुणा करने के बाद इस स्तंभ का भी हम लोग नीचे योग लगाएंगे वह योग आ जाएगा एक सौ इक्यावन जिसको कहा जाता है सिग्मा एक्स आई और एफ आई इस आधार पर मध्य का मान जो बनेगा एक्स बार वो आ जाएगा एक सौ इक्यावन बटे में बीस जिसका उत्तर बन जाएगा सात पॉइंट पाँच पाँच फाइनल आंसर इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर तीन जिसमें एक्स आई के मान है जीरो पॉइंट एक से लेकर जीरो पॉइंट छः तक ये एफ आई के मान हैं इस एफ आई के मानों का नीचे योग कर लूँगा वो बन जाएगा एन और जब एफ आई के मानों को जोड़ा जाएगा तो उत्तर आएगा दो सौ दस अब हम लोग तीसरा स्तंभ बनाते हैं एक्स आई और एफ आई के लिए जो इनका बन जाएगा गुणा जो कि आ जाएगा तीन बारह छः सोलह पाँच और तीस इनका योग कर लेंगे जो कि बन जाएगा सिग्मा एक्स आई और एफ आई इनका योग आ जाएगा सेवेंटी थ्री इस आधार पर मध्य एक्स बार का जो मान बनेगा वो बनेगा तिहत्तर बटे में दो सौ दस किसी विधि से अगर आप भाग करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा जीरो पॉइंट तीन चार ये आपका फाइनल आंसर होगा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर चार जिसमें एक्स आई एफ आई की सारणी कुछ इस प्रकार है इसके बाद एफ आई के जो पद हैं उनका योग किया तो एन का मान बन जाएगा प्रश्न नंबर चार में पचास अगले कॉलम में एक्स आई और एफ आई का गुणा करूं तो एक्स आई और एफ आई का जो कॉलम है वो बन जाएगा जीरो पॉइंट सात दो पॉइंट चार पाँच पॉइंट जीरो दस पॉइंट पाँच और आठ पॉइंट नौ इनका भी हम योग करेंगे तो जहाँ से हमें मिल जाएगा सिगमा एक्स आई और एफ आई इनका योगफल आएगा सत्ताईस पॉइंट पाँच इस आधार पर मध्य का मान कुछ इस प्रकार आएगा यह आएगा सत्ताईस पॉइंट पाँच पट्टे में पचास जिसको किसी विधि से भाग करने पर उत्तर आएगा जीरो पॉइंट पाँच पाँच फाइनल आंसर प्रश्न नंबर पाँच और छः के अंदर संख्याओं के बारे में बात की गई है इन बच्चों की संख्या कभी फैमिली की संख्या कभी बच्चों का छात्रों का बाहर और कभी छात्रों की संख्या लेकिन उससे भी हम लोग एक्स आई और एफ आई की सारणी के रूप में ही मान बनाएंगे देखिए कैसे और इस सारणी के बाद हम लोग अगर एफ आई के मानों का योग करें तो हमें मिल जाएगा एन जिसका मान आ जाएगा सौ अगले पद में एक्स आई और एफ आई का गुणा करके एक तीसरा स्तंभ बना रहा हूँ एक्स आई एफ आई का एक्स आई और एफ आई का गुणा करने के बाद इस एक्स आई एक्स आई एफ आई वाले स्तंभ का भी योग करूँगा जो कि देगा सिग्मा एक्स आई एफ आई जब एक्स आई एफ आई वाले पदों का योग किया तो उत्तर आ जाएगा 200। इस आधार पर माध्य का मान कुछ इस प्रकार आएगा 200 सौ बटे में 100 उत्तर बन जाएगा दो जो कि आपका फाइनल आंसर है प्रश्न नंबर छः में इसी प्रकार एक्स आई और एफ आई की जो सारणी बने वो कुछ इस प्रकार है जिसमें एफ आई के पदों का योग करूँगा तो मुझे एन मिल जाएगा जो कि होगा तीस अगले स्तंभ में एक्स आई और एफ आई का गुणा करूँगा तो उत्तर आ जाएगा बीस बयालीस एक सौ बत्तीस एक सौ इकसठ छियानवे पचास अठहत्तर चौवन और चौरासी इन सब का योग कर दूंगा तो आ जाएगा सिग्मा एक्स आई एफ आई तो इस आधार पर इन पदों का योग बन जाएगा 717। इस आधार पर मध्य x बार का जो मान आएगा वो आएगा 717 सौ बटे में 30 जिसको आगे हल किया जाए तो उत्तर बन जाएगा 23.9 मैंने केवल पहले प्रश्न में ही सारणी बनाई थी लाल लाइन से बाकी किसी भी प्रश्न में नहीं बनाई है लेकिन जब भी आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें स्केल से सारणी जरूर बनाएं सीधा ना लिखें उससे कैलकुलेशन के टाइम भी गलती हो सकती है और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा इसके बाद प्रश्न नंबर सात और आठ में माध्य दिया गया है और हमें अज्ञात राशियों का मान ज्ञात करना है पहले प्रश्न नंबर सात की जो सारणी है उसके बारे में बात करते हैं एक्स आई की सारणी में तो दिया है तीन पाँच सात नौ ग्यारह और पद दिया है तेरह आखिरी में एफ आई की सारणी में जिनके समक्ष पद लिखे हैं वो हैं छः आठ पंद्रह फिर लिखा हुआ है पी उसके बाद आठ और फिर लिखा हुआ है चार और हमें इस पी का मान ही ज्ञात करना है इस आधार पर जो भी जो हम लोग अब तक करते आए हैं उसके बेस पर ही हम लोग एन का मान ज्ञात करेंगे हम लोग पी को छोड़ते हुए बाकी सब पदों का योग करते हैं तो पी को छोड़ते हुए बाकी सब पदों का योग करूँगा तो उत्तर आ जाएगा इकतालीस बचा इसमें पी उसको लास्ट में लिखेंगे प्लस पी लगा कर क्योंकि अज्ञात राशि इसका भी योग नहीं हो पाएगा इसके बाद वाली सारणी बनाएंगे एक्स आई इंटू एफ आई इनका मल्टीप्लाई करते हैं छः और तीन का गुणा अठारह पाँच और आठ का गुना चालीस पंद्रह और सात का गुणा एक सौ पाँच नौ और पी का गुणा नौ पी इस हिसाब से ग्यारह और आठ का गुणा अठासी और तेरह और चार का गुणा बावन इसमें भी हम लोग पहले जो योग करेंगे वो नौ पी को छोड़कर बाकी सभी पदों का योग करेंगे तो बाकी सभी पदों का योग आ जाएगा तीन सौ तीन बचा नौ पी उसको बाद में योग मिलाएंगे अब अब प्रश्नानुसार इनका माध्य ऑलरेडी दिया गया है कैसे और वो माध्य हम जानते हैं वो माध्य आएगा सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे एन से और उस माध्य का मान दिया गया है सात पॉइंट पाँच तो ये जो मान हमारे पास सारणी में आ रहे हैं वो है 303 सौ तीन प्लस नौ पी बटे में एन का मान आ रहा है इकतालीस प्लस में p और इक्वल में जो 7.5 है उसको मैं लिख देता हूँ 15 बटे दो इसका मैं कर देता हूँ वज्र गुणा वज्र गुणा से हमारे पास आ जाएगा 606 सौ प्लस अट्ठारह पी यानी दो का गुणा यहाँ किया गया है और पंद्रह गुणा इनका आपस में गुणा किया गया तो इक्वल में आ जाएगा पंद्रह गुणा इकतालीस करूँगा तो उत्तर आ जाएगा छः सौ पंद्रह और पंद्रह गुणा पी करूँगा तो उत्तर आ जाएगा पंद्रह पी मुझे पी का मान ज्ञात करना है इसलिए मैं इस पद को आर में शिफ्ट कर रहा हूँ और पंद्रह पी को एल में इस आधार पर मेरे पास आ जाएगा 18p पी माइनस पंद्रह पी है बनेगा छः सौ पंद्रह माइनस छः सौ छः में से पंद्रह गया तो तीन पी और 615 में से 6 गया तो बचेगा 9 3 का भाग लगाऊं 9 में तो P का मान बन जाएगा 3 ये आपके प्रश्न का आखिरी उत्तर है इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 की सारणी कुछ इस प्रकार है जिसमें एक्स के मान है जीरो एक दो तीन चार पाँच और जो इसके अंदर एफ की सारणी है उसके अंदर पहले पद में तो लिखा हुआ है छियालीस बाकी दो पदों में दिया हुआ है रिक्त स्थान तो मैं वहाँ पर उनको x और y मान लेता हूँ जो हमारे पास रिक्स स्थान है यानी अज्ञात बारंबारताएं हैं उनको मैंने मान लिया x और y बाकी जो पद दिए वो हैं इसमें 25, 10 और 5 और नीचे इन सब पदों का जो योग है जिसको हम n कहते हैं वो इस क्वेश्चन में दिया गया है 200 लेकिन हम इस एफ आई के पदों का योग अपने हिसाब से भी करेंगे इस x और y को छोड़कर अगर मैं बाकी 46, 25, 10 और 5 का योग करता हूँ तो वो योग आ जाएगा छियासी बाकी इसमें दो पद और बचे हुए हैं x और y उनका आखिर में मैं योग कर रहा हूँ इसका मैं आगे जाके यूज़ करने वाला हूँ इसके बाद मैं एक्स आई इंटू एफ आई याद करता हूँ एक्स आई इंटू एफ आई आ जाएगा जीरो एक गुणा एक्स यानी एक्स दो गुणा वाई यानी दो वाई पच्चीस का तीन से गुणा पिचहत्तर फिर आ जाएगा चालीस और फिर आ जाएगा पच्चीस इन पदों का भी मैं योग करूँगा जो कि बनेगा सिग्मा एक्स आई एफ आई लेकिन उसमें मैं एक्स और दो वाई को एक बार छोड़ देता हूँ बाकी पदों का योग बनेगा 140. चालीस अब एक्स और दो वाई के योग को लिखा ये आ जाएगा सिग्मा एक्स आई टू में एफ आई अब प्रश्नानुसार हमारे को माध्य का मान दिया गया है जो बनता है सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे में कैपिटल एन और इसका मान दिया गया है एक पॉइंट चार छः अब सिग्मा एक्स आई एफ आई का मान हमने निकाला है एक सौ चालीस प्लस एक्स प्लस दो वाई एन का मान पर्शन में दिया गया है दो सौ इक्वल में लिखा है एक पॉइंट चार छः मैं इसको इस साइड में हल कर देता हूँ वज्र गुणा किया दो सौ गुणा एक पॉइंट चार छः से किया एल एच एस में तो बचा एक सौ चालीस प्लस एक्स प्लस में दो वाई आर एच एस में जब गुणा होगा तो आर एच एस में देखिए जब मैं दो सौ गुणा करूँगा तो इसमें दो जीरो हैं और इसमें पॉइंट के बाद में दो संख्याएँ हैं तो मैं जीरो और पॉइंट को हटा देता हूँ बाकी बचा एक सौ छियालीस गुणा में दो इस आधार पर ये एक सौ चालीस प्लस एक्स प्लस दो वाई इक्वल आ जाएगा दो सौ बानवे एक सौ चालीस को शिफ्ट किया आर एच एस में तो एक्स प्लस दो वाई इक्वल बनेगा दो सौ बानवे में, में से एक सौ चालीस गया तो एक सौ बावन इसको लगाएते हैं समीकरण नंबर एक लेकिन प्रश्न अभी हल नहीं हुआ है हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं तो जितने चीज़ार ज्ञात करने हो या जितनी अज्ञात राशियां ज्ञात करनी हो उतनी ही समीकरण की आवश्यकता होती है इसके लिए मुझे एक समीकरण और चाहिए और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इस पार्ट का ध्यान से देखिए इस पार्ट में इस पार्ट में हमें ये भी दिया गया है कि दो बराबर है छियासी प्लस एक्स प्लस वाई के तो इस समीकरण को भी हम यूज़ करने वाले हैं देखिए कैसे पुनः एन से 200 बराबर छियासी प्लस एक्स प्लस वाई। इस समीकरण को हल करेंगे तो x प्लस वाई का मान आ जाएगा 114 सौ चौदह को 200 में से घटा दिया यह बन गई समीकरण नंबर दो अब हमें युगप समीकरण एक और दो को हल करना है और उसके लिए मैं समीकरण एक में से दो घटा रहा हूं एक में से दो घटाने पर जैसे ही समीकरण एक में से दो घटाऊंगा x से x कैंसिल हो जाएगा दो वाई में से y जाएगा तो बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में y और आर एच एस के अंदर एक सौ बावन में से एक सौ चौदह जाएगा तो बचेगा अड़तीस ये y का मान आ गया ये मान समीकरण दो में रखते हैं तो हमें x का मान मिल जाएगा दो में रखूँ तो x प्लस वाई वाई का मान अड़तीस इक्वल एक सौ चौदह यहाँ से x के साथ जो अड़तीस है उसको उठा के ले गया आर एच एस में तो 114 में से 38 जाएगा तो बचेगा छिहत्तर ये x और y के मान हमें इस प्रश्न में मिल जाएंगे इसके बाद इस एक्सरसाइज के दो ही एग्जाम्पल हैं जो कि मैं फटाफट आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ आप उसको उतार लीजिएगा आप मेरे को उम्मीद है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे क्योंकि वो बहुत ही आसान है पहले उदाहरण के अंदर जो सारणी है वो कुछ इस प्रकार है जिसमें एफ आई का योग करूँगा तो एन का मान आ जाएगा और एक्स आई और एफ आई का गुणा करेंगे तो ये सारणी बन जाएगी और इस सारणी के पदों का योग करेंगे तो उत्तर मिलेगा सिग्मा एक्स आई एफ आई के रूप का जिसका मान आ जाएगा अड़सठ इस आधार पर मध्य एक्स बार का मान बनेगा अड़सठ बटे में इक्कीस जिसको भाग दे के हल करेंगे तो उत्तर आएगा तीन पॉइंट दो तीन आठ जो कि आपके प्रश्न का फाइनल आंसर है इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है जिसमें एक्स आई और एफ आई की सारणी कुछ इस प्रकार है इसमें एफ आई के पदों का योग करेंगे तो हमें कैपिटल एन का मान मिल जाएगा जो कि आएगा पचास उसके बाद एक्स आई और एफ आई यानी एक्स आई और एफ आई के संगत पदों का गुणा करूँगा तो यहाँ पर बनता जाएंगे पाँच चौवन सौ छः हज़ार एक सौ तीन हज़ार पाँच सौ पाँच पाँच हज़ार दो सौ पचास और चार हजार चार सौ जिसके बाद इन पदों का योग करने पर सिग्मा एक्स आई एफ आई मिलेगा जिसका मान आएगा चौबीस हज़ार सात सौ पच्चीस इस आधार पर मध्य एक्स बार का मान बनेगा चौबीस हज़ार सात सौ पच्चीस में पचास जिसको भाग के द्वारा हल करने पर उत्तर आएगा चार सौ चौरानवे पॉइंट पाँच यह आपके प्रश्न का लास्ट उत्तर है इस प्रकार से आपकी प्रश्नमाला सत्रह पॉइंट दो जो कि बहुत ही आसान थी हमने पूर्ण कर ली है इस प्रश्नमाला में अगर आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं